गाइस, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 7 और मैं किचन पे आ गई हूँ। और आज मैं डिनर नहीं बनाने वाली, डिनर में कुछ और बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ, नहीं बताऊंगी अभी नहीं बताऊंगी। अब मैं उसकी थोड़ा प्रिपरेशन कर लूँ, क्योंकि जस्ट अभी किचन में आई, कोई भी प्रिपरेशन नहीं है। मैं प्रिपरेशन करती जाऊंगी और आप लोगों से बात करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। इधर मैंने पानी चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक और थोड़ा सा ऑयल। तो अब आप लोग सोच रहे कि मैं क्या बॉयल कर रही हूँ, सोचो। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज हक्का नूडल्स, ये बना रही हूँ। ठीक है, तो आप इसकी रेसिपी, वैसे एक बार मैंने शेयर की थी, एक और वीडियो है इसका, और उसकी सब्जियां चॉपिंग के लिए एक हैंडी वेजिटेबल चॉपर है, तो मैं उससे जल्दी जल्दी सब्जी चॉप करूंगी, जिससे बहुत आसान हो गया है मुझे हक्का नूडल्स बनाना। पहले तो बहुत टाइम लगता था कट करते करते ही, बट टाइम बीत जाता था, बट जब से मेरे पास वो चॉपर है तब से इजी हो गया है, सारी सब्जियां फटाफट कट हो जाती है। और हक्का नूडल्स के लिए बहुत महीन सब्जी चाहिए। इसको बॉयल कर लेती हूँ, सब्जी कट करती हूँ, बस दो काम ही मेन है, बॉयल करना और सब्जी कट करना, फिर उसके बाद तो फटाफट बनता है। और ये हक्का नूडल्स को हम ज्यादा बॉयल नहीं करेंगे, ये तो बहुत चिपचिपा सा हो जाता है, थोड़ा कम पकाएंगे, हल्का सा मतलब कड़ा रहने देंगे, तो जिससे उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और बहुत चिपचिपी नहीं बनती है। नहीं तो नूडल्स आपने मार्केट में भी देखे होंगे, नूडल्स एक एक अलग अलग रहते हैं, और मैंने ऑयल तो डाल ही दिया है, उससे भी ये चिपकेगा नहीं। इसमें 5 रहते हैं तो 3 का बनाते हैं। इतनी सब्जियां पड़ेंगी इसमें, ये 2 प्याज, लहसुन, ये गाजर, और ये शिमला मिर्च, और ये फरासनी, ये सारी सब्जियों को मेरे को कट करना है। और ये जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, हैंडी चॉपर है ये, तो इसमें मैं सारी सब्जियां इसको छील करके और छोटी छोटी कट करके इसमें डाल करके सबको चॉप कर लूंगी। और ये हरी प्याज, इसको अभी मार्केट से सब्जी लेकर आ गए, तो ये भी मिल गई हमें, तो मैं ये भी डालूंगी इसमें। पहले गाजर को छील लेते हैं, फिर धो करके तो छोटे छोटे पीस कर लेंगे, फिर काटेंगे। पानी बॉयल हो गया, अब इसमें नूडल्स डाल देते हैं। पानी से थोड़ा सा ऊपर ड्रेन कर देंगे, ये ऐसे एक एक अलग अलग है, ऐसी बनती है अगर कम पकाते, नहीं तो चिपचिपी सी हो जाती है। अभी मैंने बीच में काम रोक दिया, क्योंकि अब हमारे हस्बैंड जी घर आ गए हैं, तब इनके लिए चाय चाहिए। पीना है चाय कि नहीं पीना? पीना है। तो मैं अब बीच में ही थोड़ा काम छोड़ करके चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। आज मैं चाय का रिव्यू लूंगी कि चाय इतने सालों से कैसे बनाती हुई आ रही हूँ, अच्छी है कि नहीं। लेकिन आप तो हमसे भी ज्यादा अच्छी बनाते हो। देखो, जहां बनाने का टाइम है वहां बिल्कुल। चलो
लोग उठ के बना ले चाय। ऐसा चॉप हो जाता है, इसी तरह हम सबको चॉप कर लेंगे। और हमारी चाय भी यहाँ रेडी हो गई है। ये हमारी फ्राइड बीन ऐसी हो गई है, चॉप हो गई। अब गाजर चॉप कर लेते हैं, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लेंगे। कितनी फाइन चॉप हो जाती है, ये देखिए ये भी चॉप हो गई। ऑनलाइन भी मिल जाएगा और मार्केट में भी मिल जाएगा, मैंने तो ऑनलाइन मंगाया था। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर जिसको लेना हो तो आप वहां जाकर के ले सकते हैं, अमेजोन से मंगाया था। इसी तरह शिमला मिर्च, शिमला मिर्च तो बहुत नरम होती है, इसको ज्यादा बार नहीं करना है, बस एक दो बार में ही ये चॉप हो जाएगी। चॉपर में हरी प्याज को चॉप नहीं करेंगे, चॉपर बोर्ड में ही इसको काट लेंगे। चाय कैसी बनी है? चाय हो गई फिनिश, फिर लग जाओ काम में। इसमें प्याज, लहसुन और हरी मिर्च तीनों को एक साथ चॉप कर लेते हैं। सारी सब्जियां चॉप में डालेंगे, कुकिंग ऑयल अच्छा तेज गर्म हो जाने के तभी डालेंगे सब्जियां। सबसे पहले ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्च जो चॉप किया था वो डालेंगे। कढ़ाई हो गई गर्म, इसमें डाल देंगे प्याज। इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। नमक अभी डालेंगे जिससे सब्जी अभी अच्छे से पक जाएगी और जल्दी पक जाएगी। इस सब्जी में ऑयल बाहर दिखने लगा और सब्जी भून गई है। गैस को धीमा करके पहले सोया सॉस डाल देंगे, सिर्फ एक चम्मच डालना है सोया सॉस। एक चम्मच शेजवान चटनी, और थोड़ा सा टोमेटो सॉस। इसमें नूडल्स डाल देंगे। एक छन्नी से नहीं हो रहा तो दो छन्नी की हेल्प से इसको चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपका नूडल्स रेडी हो गया।